आप लोगों में से कितने लोग ना जब ऑर्डर करते हो, जब ऑर्डर जब गलत आ जाता है तो उसको आप लोग रिप्लेस करते हो, और रिप्लेस करते हो तो आप लोग यह सोचते हो कि डिलीवरी बॉय नया सामान लेके आएगा और हमारा जो सामान जो ख़राब है वो हमें दे देगा और हम उससे वो मेरा वाला सामान ले लेगा तो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड, कंपनियां पहले ही आपका रिप्लेसमेंट वाला सामान मंगा लेती हैं फिर आपको सामान देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपका एक और प्रॉब्लम, एक और डाउट आपका आज मैं क्लियर कर देता हूँ तो इस वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड क्या होता है, ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन रहती हैं, ये जो इनका जो रिप्लेसमेंट वाला जो सामान रहता है जिसके अंदर इनको सामान लेना रहता है, कस्टमर से पिकअप करना रहता है और उनको नया सामान देना रहता है, उसकी ये जो रहती है पिकअप की या रिप्लेसमेंट वो पहले ही करा लेते हैं। जैसे डिलीवरी बॉय जाता है और आपका सामान लेकर चला जाता है और आपको सामान नहीं देता है और आपको बोलता है कि आपका सामान आएगा, तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड, जब आप रिप्लेसमेंट जब आप करते हो, जब रिप्लेसमेंट के लिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन के लिए अगर आप उसको अप्लाई करते हो कि मेरी रिप्लेसमेंट करनी है, तो फ्रेंड रिप्लेसमेंट आपकी जब अप्रूव होती है ना, तो जो सेलर रहता है जिसे आपको नया प्रोडक्ट देना है वह प्रोडक्ट को अपने यहाँ से भेज देता है, यानी कुछ स्टेप के लिए वहाँ से सामान निकल जाता है। आप लोग ट्रैक करते हो ना ऑर्डर को कि मेरा ऑर्डर अभी महाराष्ट्र में था तो अभी यूपी में आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया, महाराष्ट्र, तो वहाँ से जब सेलर के पास से वो सामान निकल जाता है, तो जब सेलर के पास से वो जो सामान निकल जाता है तो यहाँ से डिलीवरी कंपनियाँ होती हैं वो आप जो प्रोडक्ट जो आपको देना है, जो आपसे पुराना वाला प्रोडक्ट आपसे ले लेती हैं। तो 3 से 4 दिन का समय लगता है जो आपका प्रोडक्ट रहता है वो जब सेलर के पास से जब निकल जाता है तो 3 से 4 दिन का समय लगता है आपके पास पहुंचने के लिए। तो जब डिलीवरी कंपनियां अश्योर हो जाती हैं कि सेलर की तरफ से सामान निकल गया तो वह सबसे पहले ही आपसे जो रिप्लेसमेंट रहता है उसको ले लेती हैं और फिर 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट रहता है, जो रिप्लेसमेंट रहता है वो चले आता है। तो आपको डर लगता होगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट दे देता हूँ और मेरे को मेरा जो नया वाला प्रोडक्ट है वो भी ना मिले, पैसा भी ना मिले, ये सब आपके दिमाग में बहुत चलता है। तो ये सब आपके अगर दिमाग में चलता है ना, तो जब कुरियर बॉय आए तो उससे एक रिटर्न स्लिप होती है, मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखा दूँगा, देख रहे हो गया फोटो, ये रिटर्न स्लिप, मैं डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय की बात कर रहा हूँ, सबके पास होती है ऐसी स्लिप, आप उसे ले लो, आप उससे वो ये वाली स्लिप ले लोगे ना तो आप कहीं भी क्लेम कर सकते हो, आपकी जो एक जो टेंशन लगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले ही पिक कर लिया जाता है फिर बाद में वो प्रोडक्ट आता है, तो ये जो आपके दिमाग में जो रहता है ना कि मैं दे दूँ, मेरे पास मेरे को प्रोडक्ट मिले भी ना, मेरे को पैसे भी ना मिले, तो ये मिथ निकाल दो। एक और बात, जो AJIO के जो प्रोडक्ट होते हैं, AJIO की मैं बात कर रहा हूँ, AJIO के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो तुरंत होती है। जैसे डिलीवरी बॉय सामान लेके आएगा और आपको उसको सामान देना रहेगा, रिप्लेसमेंट वाला सामान दीजिए और डिलीवरी बॉय आपको सामान वो वाला दे देगा जो आपने रिप्लेस किया था। तो AJIO की उसी दिन होती है, सेम डेट को ही होती है, डिलीवरी बॉय आपको सामान देगा तभी आपको सामान देना है। AJIO की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि AJIO के अंदर EAN नंबर होता है, जिस EAN नंबर को जब तक डिलीवरी बॉय डालेगा नहीं तब तक वो जो डिलीवरी है पूरी तरीके से प्रोसीड होकर सक्सेसफुल नहीं होती है। AJIO के केस में आपका रिप्लेसमेंट तुरंत होता है, डिलीवरी बॉय आपको सामान ला के देगा और आपको जो आपको सामान रिप्लेसमेंट करना है आप उसको देना है AJIO के केस में। फ्लिपकार्ट और अमेजोन के केस में अलग होती है बातें, जो कि मैं आपको बताना चाहता था, आपके दिमाग से जो मिथ था वो निकालना चाहता था, डाउट था उसको सॉल्व करना चाहता था। आशा करता हूँ कर पाया हूँगा, अगर कर पाया हूँगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।